Assalamu alaikum dear friends I am Rabia Hashim with another lesson for you today we are going to discuss very interesting topic which is gossip yes gossip means gapshap so gossip is written by Francine Prose and it is about gossip ke hum jo hai wo sab mostly जो है वो gossip करना पसंद करते हैं फजूल जो है वो अपना time waste करना पसंद करते हैं then उसकी जो है वो हिस्ट्री बताएगी हमें राइटर दैन इट्स एडवाटेजेस डिसएडवाटेज एंड अबाउट काइंड ऑफ गोसिप गोसिप अच्छी भी हो सकती है गोसिप बुरी भी हो सकती है सो लेट स्टार्ट गोसिप सो फर्स्ट ऑफ ऑल कहती है गोसिप मीन्स टाइम वेस्टिंग एंड फ्राइवलिटी नाव इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इट्स वेरी यू कैन से इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसके मीनिंग पे ही अगर हम गौर करें ना तो हमें पता चल जाता है कि दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज़ गोसिप टाइम वेस्ट एंड फ्राइवॉलिटी फ्राइवॉलिटी मीन्स समथिंग विच इज़ वर्थलेस फजूल या बेकार सा तो जब भी हम गॉसिप कर रहे होते हैं मोस्टली हम क्या करते हैं येस वी किल्स अवर टाइम हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं देन शी सेज कि गॉसिप कोई नई चीज़ नहीं है इट्स वेरी ओल्ड जैसे ही जो है वो कहती हैं लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी लैंग्वेज के साथ ही गॉसिप भी जो है वो स्टार्ट हो गई थी मीन्स ये हम ये नहीं कह सकते कि गॉसिप कोई नई चीज़ है इट्स वेरी ओल्ड थिंग एंड uh, uh, primitive peoples, ancient people also use it and they use it to gossip about, yes, our neighbors, because sometimes we care about our neighbors. Next time discuss करेंगे इस टॉपिक को भी सो so दैन वो जो है वो हमें डिफरेंशिय डिफरेंस बताती है शी डिफरेंशियट बिटवीन गोसेप एंड इंफॉर्मेशन अब इंफॉर्मेशन क्या होती है उसके लिए उसने एक बहुत ही खूबसूरत सा सेंटेंस हमें बताया है विच इज़ जॉन a न्यू जॉब अब वो कहते हैं ये इन्फॉमेशन है हम इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं बट अगर हम कहते हैं डिड यू हीयर जॉन गॉट फायर्ड यस इट्स गॉसिप वी आर वेस्टिंग आवर टाइम मीन्स ऐसा भी होता है समटाइम्स अगर हम किसी को डिसलाइक करते हैं ना तो हम उसके मुतल जो बात नहीं भी होगी वो हम खुद से बना लेंगे और अगर कोई भी उसकी लाइफ में जो है वो न्यू चेंज आता है तो हम उसको अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड करेंगे वो अच्छा भी हो सकता है बट हम क्या करेंगे उसको डिफरेंट तरीके से उसको बुरा करके जो है वो दूसरों को बताने की कोशिश करेंगे बट एक जो है वो डिफरेंट केस भी होता है अगर हमारा कोई फ्रेंड हो जिससे हम बहुत क्लोज हों जिसको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हों तो हम क्या करते हैं Yes, उसकी कोई अच्छी बात होगी ना तो हम उसकी कोई बुरी बात होगी ना तो उसको भी हम अच्छा करके बयान कर रहे होते हैं सो इट्स वेरी बैड थिंग वी मस्ट थिंक अबाउट इट सो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं नेक्स्ट जो है वो कहती है कि ये अन अदर टॉपिक इन अदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो जिसकी तरफ वो हमारी जो है वो तवज्जो लेके जाना चाहती है कि इट टेल्स अबाउट व्हाट टाइप ऑफ पीपल वी आर एंड विच सॉर्ट ऑफ लाइफ वी आर लिविंग यस जब भी हम जो है वो जैसे एक बहुत ही फेमस uh, कॉल uh, है आई डोंट रिमेंबर कि ये जो है वो किसका था रूमी का था या सुकरात वगैरह समथिंग एल्स तो ये वो कहते हैं कि उनके पास एक बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लिबास पहना हुआ था तो उनके पास एक आदमी से आया तो वो कहते हैं कि अब आप बोलिए ताकि मुझे पता चले कि आप किस तरह के इंसान हैं क्या क्या हमें आपकी इतनी ही वाकई इज़्ज़त करनी चाहिए या जो आपने लिबास वगैरह पहना हुआ है क्या आप इस काबिल भी हैं या नहीं तो जो है वो यहाँ पे भी राइटर हमें बहुत जो है वो क्लियरली बता रही है कि गॉसिप जो है वो हमें बताती है कि हम किस तरह के आदमी हैं और हमारी लाइफ किस तरह की है मीन्स अगर कहीं पे गॉसिप हो रही है कोई टॉपिक है कोई वो टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स आपस में तो इससे हमें पता चलता है कि वो किस तरह का पर्सन है मीन्स अगर कोई जो है वो किसी कहीं पे किसी की बुराई हो रही है अगर एक ग्रुप ऑफ़ पीपल फ्रेंड्स कलीग्स वगैरह कोई बैठे हुए किसी की बुराई कर रहे हैं तो हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि उनकी अपनी लाइफ कैसे होगी वो किस तरह के लोग होंगे और अगर जाहिर है कोई अच्छा टॉपिक होगा तो इससे जो है वो हमें आइडिया होगा कि वो अच्छे लोग हैं सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बहुत इसने जो है वो एक डीप पॉइंट लिखा है अगर हम इस पर गौर करें तो कि हमारी ज़ुबान ही बताती है कि हम कैसे इंसान हैं नेक्स्ट वन इज़ इट ऑल्सो मीन्स अब वो कहती है कि ये हमेशा जो है वो ज़रूरी नहीं कि गॉसिप बहुत बुरी चीज़ है गॉसिप अच्छी चीज़ भी हो सकती है समटाइम्स इट मीन्स औरल ट्रेडिशंस शोइंग स्टोरीज़ ऑफ एंशन टाइम्स यहाँ पे अब वो कहती है कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम औरल ट्रेडिशन जो है वो या फिर जो है वो कोई मीनस पुराने अपने लाइक जो है वो हिस्ट्री होती है हर किसी ना किसी नेशन की उनमें उनकी डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं लाइक एज वी आर मुस्लिम्स तो हम जो है वो डिफरेंट सहाबा कराम या इनकी जो है वो स्टोरीज़ वग़ैरह हमें मोस्टली अपने पेरेंट्स वगैरह बताते रहते हैं तो वो कहती है कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम जो है वो बातों के थ्रू अपनी औरल ट्रेडिशन को आगे पहुँचा रहे होते हैं हम कुछ स्टोरीज़ वगैरह सुना रहे होते हैं या कुछ जो है वो जैसे आपने नोट किया होगा हमारी जो है वो मदर्स वगैरह कोई जो है वो टोट के शेयर कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ तो ये भी इट्स अ काइंड ऑफ गॉसिप तो इस सूरत में गॉसिप जो है वो एक अच्छी चीज़ है बट जब हम इसको जो है वो किसी बुरे मकसद के लिए यूज़ करते हैं तो वो फिर बुरी होती है दैट इज़ द वाई इज़ द रीज़न दैट राइटर सैट दैट गॉसिप ही हमें बताती है कि हम कैसे इंसान हैं ये जो है वो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में हमारी लाइक्स डिसलाइक्स हर चीज़ के बारे में बताता है गॉसिप कि व्हाट इज़ व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वी आर सो ऑलवेज़ बी केयरफुल जब भी आप कहीं पे बात कर रहे हैं तो आप जो है वो अगले बंदे को आप उस जो है वो पूरी चाहे वो टेन पर्सन हैं ग्रुप ऑफ पीपल जितने भी हैं तो हम उनको असल में ये बता रहे होते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं क्योंकि जैसे इंसान हम होते हैं ना हम वैसे ही लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं सो so नेक्स्ट जो है वो शी सेज सम पीपल लर्न टू टेल स्टोरीज थ्रू गॉसिप यस इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर कि मतलब कुछ लोग इतनी ज़्यादा गॉसिप करते हैं इतनी ज़्यादा गॉसिप करते हैं कि इससे जो है वो उनको एक वो एक आर्ट सीख लेते हैं एक स्किल सीख लेते हैं विच इज़ टेलिंग स्टोरीज देन शी सेज़ दैट गॉसिप मस्ट बी क्लियर एंड ऑथेंटिक मीन्स हमें गॉसिप में झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें जो बात हम कर रहे हैं वो क्लियर करनी चाहिए और अगर हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं तो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए दैन शी सेज के पीपल अब गॉसिप हम करते क्यों हैं ऑफ कोर्स ये जो है वो एवरी वन डू इट फॉर प्लेयर जस्ट अच्छा ये भी होता है कि समटाइम्स अब हम गॉसिप कर रहे हैं फ़र्ज़ करें हमारी फ्रेंड्स जो है वो फ्रेंड्स में हैं या फैमिली में हैं तो हम जो है वो एक दूसरे को समझ रहे होते हैं जस्ट हम जो है वो उनको मीन्स ज़रूरी नहीं है कि हमारा हर दफ़ा जो है वो मकसद बुरा हो कुछ लोग अच्छे के लिए करते हैं जस्ट जो है वो इंजॉय करने के लिए भी करते हैं कुछ लोग दूसरों को अंडरस्टैंड करने के लिए भी गॉसिप करते हैं लाइक like अगर हम फ्रेंड्स में हैं तो हम जो है वो बातों के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे फ्रेंड्स जो है वो किस तरह के हैं उनकी मैंटेलिटी क्या है या फिर उनकी क्या लाइक्स हैं क्या डिसलाइक्स हैं समटाइम्स जो है वो gossip स्कैंडल के लिए भी यूज़ किया जाता है मीन्स स्कैंडल कहते हैं कि जो है वो किसी को बदनाम करना तो किसी को बदनाम करने के लिए भी जो है वो gossip होती है लाइक like, कोई र्यूमर है कोई बुरी बात जैसे अभी हमने डिस्कस किया था इसी ऐसे में कि डिड यू नो जॉन गॉड फायर्ड अब ये जो है वो एक स्कैंडल मीन्स हो सकता है कि हम किसी को बदनाम करने के लिए वैसे ही बात कर रहे हों तो ये जो है वो स्कैंडल में आ जाएगा और ये जो है वो बहुत इमोरल है बहुत गैर अखलाक हरकत है दैन शी सेज कि पीपल आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट सीक्रेट्स ऑफ देयर नेबर्स येस इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में अक्सर कि हम जो है वो दूसरों के सीक्रेट्स जानने के लिए गोसिब करते हैं सम टाइम्स हमारे नेबर्स समटाइम्स हमारे रेलिटि समय कोई ऐसे कोई ऐसा पर्सन जिसको हम डिसक करते हों हम जब चंद लोगों में बैठेंगे तो उनके बारे में बात करेंगे जस्ट टू नो अबाउट देयर सीक्रेट्स सो विच इज़ ऑल्सो वेरी बैड अब जो है एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कहती है दे वॉन्ट टू बी गोस टू गोसिप बट नाट टू बी गोसिप्ड अबाउट हम ये तो ज़रूर चाहते हैं कि हम गोसिप करें कि हम किसी दूसरे पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के बारे में जो है वो गौसिप करें उसके बारे में जानें उसकी सीक्रेट्स के बारे में जब लेकिन जो है वो क्या है हम कभी ये नहीं चाहते कि कोई हमें भी अपनी गोसिप का हिस्सा बनाए सो so, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है बहुत अच्छा पॉइंट उसने जो है वो रेज़ किया है जैसे जो है वो ये हम भी कहते हैं कि हम जब जो है वो अगर ये चाह रहे होते हैं कि हमारे साथ दूसरे बंदे जैसा करें ना हम भी उसके साथ वैसे ही कर दूसरों के साथ बारे में भी हमें वैसे ही सोचना चाहिए हम क्या करते हैं हम अपने बारे में तो अच्छा सोच लेते हैं हम ये चाहते हैं कि दूसरे जो है वो हमसे प्यार से बात करें दूसरे हमारे साथ जो है वो अच्छा करें बट हम खुद अगर उनके साथ बुरा करना चाह रहे हैं तो फिर हमें ऐसा कुछ सोचना ही नहीं चाहिए क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो गढ़ा हम दूसरों के लिए खोद रहे होते हैं उसमें हम खुद गिर जाते हैं सो वी मस्ट बी केयरफुल इन आवर एक्शंस हम जो है वो जो सोच रहे हैं जो बात कर रहे हैं या वैसे कोई काम कर रहे हैं तो हमें पहले ये सोचना चाहिए कि अगर ये सब कुछ हमारे साथ हो तो फिर कैसा होगा नेक्स्ट जो है वो कहते हैं कि हम ये तो चाहते हैं कि दूसरों के सीक्रेट्स हमें पता चलें लेकिन हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे सीक्रेट्स दूसरों को पता चलें एंड एंड पे राइटर जो है वो बताती है कि उसका गॉसिप का पर्पस क्या है बिकॉज अभी उसने बताया था ना कि हर किसी का गॉसिप का डिफरेंट पर्पस हो सकता है कुछ लोग प्लेयर के लिए करते हैं कुछ लोग जो है वो जस्ट टू मेक स्कैंडल ऑफ अदर्स कुछ लोग इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए करते हैं तो राइटर कहती है कि मैं जो है वो गॉसिप करती हूँ बट जस्ट टू अंडरस्टैंड अदर्स वो कहती है जब भी हम अगर कहीं गॉसिप करें तो हम अपनी पुरानी जो है वो यादों को याद कर लेते हैं या अपनी फ्रेंड्स को अपने रिलेटिव्स को अपने जो है वो फैमिली मेम्बर्स को समझने के लिए वो इसको यूज़ करती है सो वी ऑल्सो केयर अबाउट अवर गॉसिप हम किस तरह की गॉसिप कर रहे हैं और हम जो है वो क्या जो दूसरे के बारे में कर रहे हैं बात क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे बारे में वो बात इस तरह से की जाए सो so यहाँ पे वो जो है वो एक्चुअली हमें ये मॉरल लेसन देना चाहती है कि वी मस्ट बी केयरफुल in all these things so it was very interesting topic i hope so aapko bhi bahut pasand aaya hoga. next we will discuss some other topic thanks for watching